नमस्कार। ध्यान के दौरान टांगों में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द या फिर टांगे शून्य हो जाएं तो क्या करें? मेरे पास ऐसे कई प्रश्न आए हैं जिनमें साधक पूछते हैं कि ध्यान करते समय मैं जिन मुद्राओं में बैठता हूं, उन मुद्राओं में टांगों में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द या मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी टांगे शून्य हो गई हैं, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो मुझे इन समस्याओं का निदान बताइए। मैं इन समस्याओं से कैसे बचूं और ध्यान में अपने आप को कैसे पूर्णतः समर्पित करूं? देखिए, ध्यान के शुरुआती समय में हम विभिन्न मुद्राओं में बैठकर ध्यान करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को पहले से यह हैबिट नहीं है कि वह इन मुद्राओं में बैठकर ध्यान कर सके। क्योंकि नॉर्मली हम कभी पैर के ऊपर पैर रखकर यानी आलती पालती मारकर लंबे समय तक नहीं बैठते हैं, इस वजह से हमें इसकी आदत नहीं होती है और ना ही कभी हम इस मौन की अवस्था में बैठते हैं। इसी वजह से हमें ध्यान के दौरान इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों की वजह से बहुत से लोग तो साधना करना चाहते हैं, उनका बहुत मन होता है कि वो इस प्रकार की साधनाएं करें, लेकिन उनकी यह साधना और उनकी यह इच्छा अधूरी रह जाती है, वो इन शुरुआती समस्याओं में ही फंसे रह जाते हैं। दोस्तों, इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको सबसे पहले मेडिटेशन यानी ध्यान के बेसिक को समझना होगा। आप किसी भी प्रकार का ध्यान करें, आपको सबसे पहले अपने शरीर को स्थिर यानी स्टेबल करने पर ध्यान देना होगा। जबकि हम यह सोचते हैं कि हम शरीर की जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में ध्यान को साध लेंगे, तो यह गलत है। आपको सबसे पहले अपने बॉडी, अपने शरीर को स्थिर रखना है, आपको उसे स्थिर करने में स्टेबल करना है। देखिए, पैर में दर्द होना, कमर में दर्द होना या पैर का शून्य हो जाना, इन समस्याओं के दो मूलतः कारण हैं। पहला ये कि आप कभी इस अवस्था में यानी क्रॉस लेग करके नहीं बैठते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियों को इसकी आदत नहीं है, इसीलिए आपको पैरों का शून्य हो जाना और पैरों में दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको अपने पैरों की इन मांसपेशियों को इस मुद्रा की आदत डालनी होगी। इसीलिए किसी भी साधना को करने से पूर्व आपको अपनी बॉडी को स्टेबल करना है। दूसरा कारण यह है कि आप जब भी कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई साधना करते हैं, चाहे वह किसी के द्वारा गाइडेड मेडिटेशन हो, इस अवस्था में आपकी चेतना पैरों से मस्तिष्क की ओर यानी आपके मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर गमन करती है, जबकि अन्य अवस्थाओं में आपकी चेतना आपके सहस्त्रार चक्र से मूलाधार चक्र की ओर गमन करती है। सिर्फ निद्रा की अवस्था में ही यह चेतना हमारे गले में यानी विशुद्धि चक्र में होती है। जब चेतना हमारे गले में यानी विशुद्धि चक्र पर होती है तो हमें नींद का अनुभव होता है, हमें नींद आने लगती है और नींद की अवस्था में हमें शरीर के किसी हिस्से का एहसास तक नहीं रहता, तो यहीं से आपकी समस्या का समाधान आपको मिलेगा। तो आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान आपके मस्तिष्क के बीच में यानी आपके आज्ञा चक्र पर हो रही वाइब्रेशन या आ रही कोई आवाज ही आपको इस समस्या से छुटकारा दिला सकती है। तो ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठने से पहले आप अपने आसन को अच्छे से सेट कर लें, ताकि आपको बाद में हिलना डुलना ना पड़े। तो दोस्तों, यदि आप किसी सॉफ्ट कपड़े या सॉफ्ट तकिए पर बैठकर आसन लगाते हैं तो आपके पैरों के घुटनों पर कम दबाव पड़ता है और आप दर्द जैसी समस्या से बच सकते हैं। दोस्तों, यह शुरुआती हल है, बाद में आपको इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आपको लगे कि आपने अपना आसन सेट कर लिया है, तब आप अपने ध्यान को अपनी आंखों के ऊपर ही रखें। और यदि आप किसी गुरु के शिष्य हैं और आपके गुरु द्वारा बताए गए मेडिटेशन को आप कर रहे हैं, तो आपको उस मेडिटेशन को करना है। और जब आपको लगे कि आप साइलेंट की पोजीशन में जा रहे हैं, तो आप अपने ध्यान पर मन लगाइए और चारों तरफ से आ रही ध्वनि को पकड़ने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ से आ रही आवाजों से आप कंफ्यूज ना हो। यदि आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है तो आप उस मंत्र का जाप कीजिए या आप उस आकाशीय आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हैं तो उस जाप के दौरान ही आपको आकाशीय आवाज की अनुभूति होगी। आप उस आवाज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। आप ध्यान में तभी लीन हो सकते हैं जब आप अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र या इस आकाशीय ऊर्जा पर ध्यान लगाते हैं। यदि ध्यान की इस अवस्था में
आपको कुछ चुभन जैसा महसूस होने लगे या आपके पैरों में दर्द होने लगे, तब भी आपको अपने मस्तिष्क के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ही ध्यान केंद्रित करना है। कुछ ही समय में आपको इस प्रकार की साधना का अभ्यास होने लगेगा और आपका ध्यान सधने लगेगा। और जैसे ही आपकी ऊर्जा आपके कमर से ऊपर यानी स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर बहने लगती है, तो आपको नीचे क्या हो रहा है, आपके मूलाधार चक्र पर किस प्रकार की वाइब्रेशन हो रही है, आपको ध्यान नहीं रहेगा। एक तरह से आपकी कमर से नीचे का कुछ भी आपको अनुभव नहीं होगा और आपका ध्यान सधने लगेगा। यदि आप इस प्रकार रोज अभ्यास करते हैं तो आपको अपना शरीर खाली करने का समय घटता जाएगा और आप कुछ ही समय में अपने शरीर को खाली कर पाएंगे। और आपका शरीर जैसे ही खाली हो जाएगा, आप ध्यान के समुद्र में गोते लगाने लगेंगे। और आप जब ध्यान के समुद्र में गोते लगाने लगेंगे तो आपको अपने शरीर का एहसास ही नहीं होगा। आपको अपने शरीर का एहसास नहीं होगा तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या या दर्द या सुन्नपन से मुक्ति मिल जाएगी। आपका ध्यान इतना तक सच सकता है कि जब आप बीमार भी होंगे तब भी ध्यान की इन अवस्थाओं में बैठकर आप अपने आप को खुश और पीड़ा मुक्त महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग यह कहते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं ध्यान मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उनकी साधना कभी सदी ही नहीं, उनके द्वारा लगाया गया ध्यान कभी सदा ही नहीं, इसीलिए उन्हें यह शारीरिक परेशानियां जकड़े हुए हैं। और वह यह कहकर कि मैं बीमार हूं, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, वह एक प्रकार का बहाना बना रहे हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पहले ऋषि मुनि हमेशा ध्यान में रहते थे। क्या वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे? जरूर पड़ते थे, क्योंकि उनके पास वो आत्मशक्ति थी जो उन्होंने ध्यान से अर्जित की थी। उनके पास अपने शरीर को भूल जाने की शक्ति थी, जिसकी वजह से वो हमेशा ध्यान में मग्न रहते थे और उस आनंद में खोए रहते थे जिस आनंद की हमें तलाश है। तो दोस्तों, यदि आप ध्यान के शुरुआती समय में हैं और आपके पास आपका गुरु का सानिध्य है, तो आप उनके बताए अनुसार ध्यान कीजिए। यदि आपके पास कोई गुरु नहीं है और आप फिर भी ध्यान के उस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ध्यान या मेडिटेशन मेरे बताए अनुसार कीजिए। ध्यान के शुरुआती समय में जब आपको लगे कि आपका ध्यान नहीं सध रहा है, तो आप इस ओम की ध्वनि के साथ अपना ध्यान प्रारंभ कीजिए और सर्वप्रथम अपने आप को इस ध्वनि में विलीन कर लीजिए। तो चलिए ओम की ध्वनि के साथ एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आपकी जो भी समस्याएं हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।